अस्सलाम वालेकुम, इकबाल अहमद जैम गार्डनिंग सॉल्यूशन से आपके लिए नई और मेरे चाहने वालों, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे इर्द गिर्द को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कमेंट मैसेज किया कि सर आजकल जो है मैरी गोल्ड का सीज़न है, तो मुझे मैरी गोल्ड में बताएं कि मैरी गोल्ड को सही प्रॉपर वे पे लगाने का तरीका क्या है और उसके किस तरीके से जर्मिनेशन बनाई जाती है, उसको किस वे पे लगाया जाता है और उसकी क्या निगहदाश्त करनी पड़ती है और क्या क्या कदम उठाना पड़ता है जिससे हमारा मैरी गोल्ड बेहतर हो और कौन सी सीड लेनी चाहिए, उसकी प्लीज़ मुझे रहनुमाई करें। तो मैंने कहा चले इसके लिए, चूँकि मौसम अक्टूबर का चल रहा है, वैसे सितंबर के मीड में मैरी गोल्ड लगाई जाती है, तो मैंने कहा चलिए अभी टाइम भी हमारे पास, तो मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई वीडियो और एक ऐसी चीज़ें सामने लेकर आता हूँ जिससे आपकी रहनुमाई भी हो। तो आइए मैं आपको अपने वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी जितनी नई आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए लेट्स वी गो। आपको अगर बताता जाऊं कि सबसे पहले मैं बेड बना रहा हूं, मैं बेड बना रहा हूं और इस बेड को बनाने के लिए मैंने जो है वो 60% जो है वो सॉइल लिया है, जो गार्डन की सॉइल होती है। उसके बाद मैंने तकरीबन 30% जो है वो गो ऑर्गेनिक की मैंने 30% गो ऑर्गेनिक की मैंने ये जो है वो कंपोस्ट ली है, वो इस मिट्टी के साथ मिक्स की है, और 10% जो है मैंने कोकोपिट का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी मॉइस्चराइज को वो मेंटेन करके रखे। इन तीनों चीज़ों को बनाने के बाद मैं बेड बना रहा हूँ। इस बेड में बहुत तरीके से मैं जो है सबसे पहले मिट्टी सब चीज़ों को बनाई और बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मॉइस्चराइज के लिए छोड़ दिया है। अब ये तकरीबन जो है ये मेरा बेड तैयार हो गया है। अगर आप इस बेड को गौर से देखें तो आपको चीज़ें बड़ी वाज़ह नज़र आएंगी। अब सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सीड्स आप मैरी गोल्ड के लिए, मैरी गोल्ड की कोई 3, 4, 5, 6 वैरायटी होती है। उस वैरायटी में कुछ छोटे फ्लावर्स होते हैं, कुछ बड़े फ्लावर्स होते हैं। बड़े फ्लावर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो है वो देखें ये मैरी गोल्ड है। अगर इसको मैं आपको वाजे करूँ, ये देखें मैं आपको दो अलग अलग वैरायटियाँ दिखा रहा हूँ। ये बड़े जैसे गेंदा कहते हैं, ये बड़े 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 फ्लावर्स वाले गेंदे हैं और इसमें तकरीबन 3 कलर्स होता है, एक वाइट भी होता है और फिर एक येलोइश छोटे छोटे फ्लावर्स। ये बड़े गेंदा है। तो मैंने कहा चले मैं आज इसी की आपको एक जो वीडियो बना के दिखाता हूँ कि हम इसकी पनीरी कैसे तैयार करते हैं, इसको स्विच कैसे करते हैं। सीड्स का इंतखाब बहुत अहम होता है आपके लिए, तो महमूद इंटरप्राइज की सीड्स काफ़ी बेहतर है। इसकी जर्मिनेशन भी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 95% रेशो है, क्योंकि मैंने लगाई है। मैं लोगों को जो है वो मोटिवेशन देता हूँ कि यार ये सीड्स बहुत बेहतर है, और सीड्स के हवाले से आपको सीड्स की इंतखाब करना बहुत अहम रोल अदा होता है और फिर इसकी सॉइल बनाना अहम होता है। देखिए मैं आपको सबसे पहले जो है वो मैं आपको इसका तरीका ये है कि चूँकि मैंने छोटे से कंटेनर में आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले ये आपको ये बना के दिखाऊँ कि मेरी गोल्ड की सीड जो है वो रियलिटी अगर फ्रेश होगी तो वो किस तरह की होगी, और अगर ये पुरानी होगी तो ये वादे पता चल जाएगा कि कितनी पुरानी है। काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। अब ये देखें ज़्यादा नहीं है इसके अंदर मेरे हिसाब से, मैं अगर आपको दिखाऊँ देखें ये, चूँकि आपको मैंने कहा ये ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बेड बनाऊँगा। देखें मेरे पास बहुत सारे जो है विजिटिंग कार्ड है, मैंने एक इस तरीके से बेड बनाया है कि मैं अलग अलग वादे करके देखूँ कि मैं कौन कौन से फ्लावर लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक पार्टीशन कर दी समझने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए कि यार मैं कौन सी चीज़ें क्या लगा रहा हूँ। अब देखें ये मैंने चूँकि ऑरेंज ऑरेंज मेरी गोल्ड है, अब ये इसके लिए मैं सबसे पहले मैं
इसको स्प्रिंगल कर रहा हूँ थोड़े थोड़े फासले पे ताकि आसानी से निकल सके। ये देखें, थोड़ा फासला रखिए, रखना है आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि निकलने में बहुत आसानी हो जाए। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा ये है कि ये चीज़ें मैंने तैयारी कर ली है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने आपसे कहा कि अब मैं कोकोपिट का इस्तेमाल करूँगा, इसको अच्छी तरीके से इसके लेयर्स को छुपाऊँगा। छुपाने का मकसद ये है कि ताकि ये मॉइस्चराइज मेंटेन करके रखें। और ये देखें, ये मैंने ख़ुद तैयार किया था अपने जब मेरी प्रीवियस सीड जो मैंने कलेक्शन की थी, मेरी गोल के फ्लावर्स को सुखा कर इसकी सीड निकाली थी। तो अब मैं ये है, ये देखें, एक हिस्से पे मैं ये लगा रहा हूँ। मैं पूरी डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक मेरे पास जो है जाफरी में है, छोटे छोटे हिस्सों में, ये भी दिखाता हूँ। ये देखें, एक हिस्से में मैं ये थोड़े ये डाल रहा हूँ, इसके मैं पार्टीशन बनाऊंगा ताकि मुझे जहन में रह के मैं क्या बना रहा हूँ। ये देखें, ठीक है। अब मैं इन सब को अच्छी तरीके से ये मैं कोकोपीट से अच्छी तरीके से मैं इसको छुपा दूंगा। छुपाने का मकसद ये होगा, और इस तरह छुपाना, एक लेयर बनानी है कि आपको पानी बिल्कुल भर के नहीं डालना है, पानी सिर्फ स्प्रे से डालना है, याद रखिएगा। 6 से 7 दिन में आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। अब मेरी चीज़ें तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें, मैं हल्का सा इसको मॉइस्चराइज मेंटेन करके रख दूँगा 1 हफ्ते के लिए। अगर आपको मेरी, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कम्प्लीट वीडियो को लाजमी ना कम्प्लीट वॉच किया करें, ताकि अगर मिसिंग आप करोगे वीडियो को तो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और दूसरा ये कि छोड़ने से आपकी वीडियो समझ में नहीं आएगी, आप पूरी कम्प्लीट वॉच किया करें। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी आप मैसेज सेंड कर दे, तो मैं जो है उसकी जो प्रॉब्लम होगी उसको वहीं आपको मैसेज के ज़रिए आपको अच्छी तरीके से गाइडलाइन दे दूंगा। कहीं भी मुझे लगेगा कि ये थोड़ी सी कमी है तो मैं वहाँ से उसको डालकर छुपा दूंगा। और दूसरा ऑप्शन है, याद रखें कि इसको ऐसी जगह रखनी है आपने कि जहाँ पे सुबह की 1 से 1.5 घंटे की धूप आए और उससे ज़्यादा धूप नहीं आए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसको डायरेक्टली शेडो में रखें, 1 घंटे आधे घंटे की धूप लग गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर बिल्कुल धूप में नहीं रखना, इससे आपकी सीड ख़राब हो जाएंगी, जर्मिनेशन पावर ख़त्म हो जाएगी। आप देखें, जब नर्सरी पर जाएँ तो इसको जो बनाई जाती है वो शेडो में बनाई जाती है, और इतनी शेडो में रखी जाती है कि 1-1.5 घंटे की धूप उस पर आसानी से पड़ सके, बाकी इसको मॉइस्चराइज मेंटेन होगा, कोई मसला नहीं है। नर्सरी पे जाएं तो इसको जो बनाई जाती है वो शेडो में बनाई जाती है, और इतनी शेडो में रखी जाती है कि 1-1.5 घंटे की धूप उस पर आसानी से पड़ सके, बाकी इसको मॉइस्चराइज मेंटेन होगा, कोई मसला नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊँ कि तकरीबन मैंने जो बेड बनाया 4 हिस्से बनाए थे। अभी देखिए, आफ्टर 10 डेज की ये रिपोर्ट है, इन्हें 10 डेज में इसकी जर्मिनेशन जो है तकरीबन काफ़ी अच्छी हुई है। मेरे हिसाब से 6-7 डेज में आ जाती है, 10 डेज से मुकम्मल है कि तकरीबन मैंने 14 सीड्स डाली थी, 4 हिस्से बनाया था,
दो हिस्सों में माशाल्लाह जो मैंने आपसे कहा था कि सीड्स का बहुत अहम रोल अदा होता है, ये दोनों ने बहुत अच्छी जर्मिनेशन पकड़ी है। बाकी एक साइड जो है, चूंकि बहुत पुरानी सीड थी, मैंने दिखाने का मकसद यही था कि ये चीज़ें हैं, लिहाजा आपको बहुत गाइडलाइंस मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ ज़ैम गार्डनिंग सॉल्यूशन।